सुबह सुबह आप लोग को स्वागत है न्यू वीडियो में दोस्तों। मैं आशा हूँ, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें, खुशियाँ बटे, अपना अपना जी देंगे, मस्त रहें दोस्तों। देखिए ठंडे के मौसम, देखिए आइस का पानी पूरा ढांक दिए हैं पूरा, वहाँ से देखिए लोकेशन देखिए कितना नज़ारा, कितना मस्त आ रहा है। ठंडी ठंडी मुँह में मतलब जैसे धुंगिया निकलता है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। वही हम लोग आज हम बनाने जा रहे हैं, पूरी आज हो रहे हैं दोस्तों। अभी जल्दी जल्दी लगाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि कस्टमर लोग थोड़ा लेट में आता है, ये सब देखिए गायत्री बना दे रहे हैं। देखिए देखो आटा को लगा दिया, कितना केजी आटा लगाए हैं गायत्री जी? 3 केजी लगा दिए हैं गायत्री को, गायत्री जी को मतलब तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया क्योंकि ठंडी मौसम है ना दोस्तों, सर्दी पकड़ लिया है। मेरे को भी पैर हाथ दर्द कर, मच्छर बहुत काटते हैं दोस्तों, वहाँ पे मच्छर ज़्यादा धुक जाता है क्योंकि यहाँ पे जो कपड़ा दिए थे दोस्तों उसका अंदर से ढुक के आ जाते हैं। देखिए यह ये जो कपड़ा लगाए हैं ना दोस्तों, उसका ऊपर से थोड़ा मतलब फांक है, फांक कर ऊपर से आ जाते हैं मच्छर, इसीलिए हम लोग रात भर नहीं सो पा रहे, फैन लगा देते हैं। उसमें मेरा मुंह में पूरा देखिए काट काट के कैसे कर दिया है, देखिए पूरा मच्छर काट के सारा मुंह को पूरा ख़राब कर दिया, इतना ज़ोर से काट रहा है मच्छर। यही दोस्तों आप लोग वीडियो में बना रहे हैं, हम लोग का पूरी मच्छर पक गया है और भी लगा हुआ है दोस्तों। देखिए ये रहा पूरी, आज कस्टमर लोग भी इतना नहीं आ रहे दोस्तों ठंडी का वजह से, ना 3 केजी आटा लगा के रखे हैं दोस्तों, क्या करें, टेंशन हो जा रहा है। भगवान करे पूरी बेचा ही जाए ढक दीजिए, सब कुछ, पूरी को ढक दीजिए। पूरी को ढक देते हैं दोस्तों, धुली धुक जाएगा इसलिए उसको ढक के रखते हैं। देखिए मौसम कितना खराब चल रहा है, देखिए पूरा कोहरी ढांक दिया है, वो आइस का पानी पूरा ढका हुआ है दोस्तों, पार्टी का अंदर धुआं निकल रहा है जैसे लगते देखते। मुंह खराब गायत्री जी है। देखिए, गायत्री जी ने चूल्हे का घर में भी बैठा हुआ है, मम्मी जी ने भी बैठा हुआ है। देखिए दोस्तों इतना ठंडी पड़ रहा है, इतना ठंडी पड़ रहा है, रंग काल दिखाया कुछ नहीं दिख रहा है इधर से। देखिए दोस्तों रोड नहीं दिखाई देता है दोस्तों, पूरा अंधेरा ही दिखाई देता है। देखो पूरा कुछ भी नहीं, एक गाड़ी आने से भी नहीं दिखाई देता है, इतना अंधेरा हो जाता है दोस्तों। देखो तो इस तरह से पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। आप लोग वीडियो में बने रहें दोस्तों, हम लोग भात बैठा दिए हैं यहाँ पे, भात हो रहा है अभी, इतना सारा पूरी भी पहुँच गया दोस्तों, मतलब दोस्तों जैसे पूरी रुक गया है, सेल नहीं हुआ, दुकान भी लगा दिए हैं। देखिए दोस्तों गाजर चना, ये व्हाइट वाला गाजर चना है, ये गाजर चना लाल वाला है, हम सब लगा दिए हैं। आज हम लोग का साग बन रहा है दोस्तों, सजना का साग, इसको आज बना के हम लोग खाएंगे दोस्तों, पतला भात का साथ, गरम भात है ना दोस्तों, इसका साथ हम लोग खाएंगे आज। आप लोग इतना सारा बासन पड़ा हुआ है, पानी ला दिए हैं दोस्तों, पानी यहाँ पे रख दिए हैं, ये ड्रम को भी फुल कर दिए हैं दोस्तों। देखिए ये अभी अभी माँजना शुरू करेंगे दोस्तों बासन को, इतना सारा बासन है, ये धुलाई करेंगे, वहाँ तक कढ़ाई है, उसको जो भुगनी था उसको डालेंगे, उसको क्लीन करने के बाद ये क्लीन करके उसमें डालेंगे, डालने के बाद कढ़ाई भी वहाँ पे है उसको भी मार देना है, वो काम ख़त्म करने के बाद दुकान जाएंगे दोस्तों 12 बजे जैसे जाएंगे। आज साइकिल नहीं है, पैदल जाना पड़ेगा हम लोग को दुकान, तो ये सब काम है। पानी दिक्कत हो जाता है दोस्तों, बहुत दूर से लाना पड़ता है, आप लोग को देखा है जहाँ से लाते हैं हम लोग पानी, वहाँ से लेके आकर पानी को भर दिए हैं, वही बासन माजे चलते हैं दोस्तों। ये गुड़ा तियन है, देखिए ये रहा, इसको रेडी कर दिए हैं दोस्तों, और साग को भी रेडी हो गया है, मैं बासन माज रहा था, बासन माज के ख़त्म कर दिए हैं। ये देखिए साग, सजना साग
साग, उसको हम लोग आज दोनों मिला के खाऊंगा। उधर में नूनी सूखा बोलते हैं ना दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए, ये आज हो रहा है दोस्तों। देखिए तीनों आइटम है, तीनों आइटम मिला के हम लोग खाएंगे। हम लोग सब रेडी कर दिए हैं, अभी हम लोग उसको वो नूनी सूखा जो है ना दोस्तों उसको खाएंगे। ये रेडी हो जाएगा तो हम लोग भात खाएंगे। बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है दोस्तों, रह नहीं सकते हैं, इतना ज़ोर से भूख लग रहा है। सुबह नाश्ता बनाए थे, भगवान करे सब ख़त्म हो गया दोस्तों। आज हम ये सब रेडी हो गया है हम लोग का, अभी हम लोग उसको जब तेल में फ्राई कर देंगे नूनी सूखा को, नूनी सूखा को फ्राई करके जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा। खाना खा के फिर हम लोग जाना पड़ेगा दुकान दोस्तों, जल्दी दुकान जा कर सौदा लेके आना पड़ेगा दोस्तों, फिर शाम को पकौड़ी बनाएंगे। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग तेल में फ्राई कर रहे हैं। मुनगा साग और मुनगा गुड़ा और ये सूखा मछली जो नमक वाला, इसको हम लोग पत्थर मुंडी सूखा बोलते हैं दोस्तों। इसको फ्राई करके अभी खाएंगे, इसको पकड़ के। सही हो रहा है, ये दोस्तों हम लोग का मछली फ्राई हो गया है सूखा वाला। ये अच्छा फ्राई होगा तो अच्छा लगेगा, चर चर होके। देखिए दोस्तों भात निकाल रही हूँ, गरम भात। आज हम लोग को गरम भात गुड़ा, मुनगा गुड़ा, गुड़ा मतलब सूप जैसे बनाते हैं। लहसुन मिर्ची सूखा वाला मिर्ची, प्याज नमक टमाटर देके उसको पूरा डबका देते हैं। जो मुनगा साग का जो सूखा कर पाउडर बनाते हैं उसको ऊपर में दे देते हैं, मसाला बनाए हैं। देखिए ऐसे दिख रहा है, ताऊ जी तो पसंद नहीं करते हैं, फिर भी उसको हम खाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा है, इसमें बीपी शुगर नहीं होता है, मुनगा साग का पाउडर सूप है ना दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए। लेकिन खाते खाते हैबिट हो जाएगा तो सबको ही तो पसंद होता है। इसको ऐसे ही डाल देते हैं, देखिए दोस्तों मैं गुंडा और भात और मछली निकाल के खा रही हूँ। देखिए पूरा पूरा पानी पानी जैसे जाल जैसे रहता है। बहुत ही बढ़िया हुआ है दोस्तों गुंडा। आप लोग ये वाला सब्जी खाते हैं कि नहीं कमेंट करके बताइएगा। मुनगा, ये जो मुनगा साग है ना उसका पत्ता में सुखा के फिर पाउडर बनाते हैं, फिर उसको फिर बनाते हैं वो भात का पानी है ना माड़ भानी, उसमें हम लोग फुटाते हैं। देखिए दोस्तों मैं प्याज ले आया हूँ, प्याज मेरा फेवरेट है, मैं बचपन से प्याज ज़्यादा खाता हूँ। इसका साथ इतना सारा चीज़ है, अभी बढ़िया लगेगा हमको खाने के लिए, मस्त लगेगा। आप देखते हैं मैं कि अभी खाना खा रहा हूँ, बोटी मैं ये सूखला खाऊंगा, लेकिन ये सब को थोड़ा थोड़ा खाऊंगा, अच्छा लगेगा दोस्तों। आप लोग कमेंट माध्यम से बताएं, ये हो गया सुकुआ का नाम नूनी सुकुआ है, बहुत टेस्टी लगता है। वो डेंगू फेंगू हो जाता है ना दोस्तों, वो खाने से उसका कीटाणु ख़त्म हो जाता है, इसलिए को खाना पड़ता है। मेरा शरीर में पूरा काटा हुआ है मच्छर, इसीलिए मैं खा रहा हूँ दोस्तों। बहुत मज़ेदार है खाना, अभी मैं खा रहा हूँ। देखिए दोस्तों
खा ना, बहुत बढ़िया लग रहा है, खा के देखो एक बार। सुजना का साग इतना टेस्ट है, इतना टेस्ट है मत बोले दोस्तों, बहुत बढ़िया लग रहा है खाने का, दिल खुश हो जा रहा है। और अगर आप लोग चाहते हैं हमारा खाना टेस्ट करने के लिए, आ जाइए वहाँ पे, हाथ से बना के खिला दूँगा दोस्त लोग। वही मैं चाहता हूँ, मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। मैं यही अनुरोध करता हूँ आप लोग को, मेरे फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को, मेरा वीडियो स्किप मत करिए, एंड तक देखिए। और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं आप लोग, सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए दोस्तों, मैं वही चाहता हूँ। दिल से आप लोग का धन्यवाद करता हूँ, मेरा चैनल को लास्ट तक देखिए। थैंक यू दोस्तों।